फ्रीबीज, मुफ्त खोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। अरे आप देते क्या है? अनाज, एक वैक्सीन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे जनहित आवाज। आज आपके लिए दो बड़ी खबर है कि किस तरीके से भारत को लूटा जा रहा है और जो अमीर हैं वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो लगातार गरीब होता जा रहा है। दो बड़ी खबर है और उससे आप समझिए कि किस तरीके से मोदी सरकार अपने दोस्तों के लिए काम कर रही है और जो भारत का सारा पैसा है वो किस तरीके से पूंजीपतियों पर पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ, अभी खबर आ रही है कि गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। उन्होंने बिल गेट्स को पछाड़ दिया है। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के से संस्थापक हैं और दुनिया के अमीरों में उनका नाम है। कुछ दिनों पहले वो नंबर वन भी रहे थे, लेकिन उसके बाद आप समझिए कि 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं उसके बाद से सबसे ज़्यादा अगर किसी की ग्रोथ हुई है, किसी की अगर संपत्ति में इजाफा हुआ है तो वो है गौतम अडानी। जी हाँ, सीधा सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। अभी आपको याद होगा किस तरीके से श्रीलंका में सरकार में प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरवीन करके सिफारिश लगाकर गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिलवाया, जिसके लिए श्रीलंका में अब अडानी के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीबों वाला देश बन चुका है। जी हाँ, वर्ल्ड क्लॉक पावर्टी की एक वेबसाइट है जिसने ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि इससे पहले नाइजीरिया जो अफ्रीकी कंट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, लेकिन भारत ने उसको पीछे पछाड़ दिया है। जी हाँ, आप समझिए किस तरीके के हालात है। तो जो गरीब है वो लगातार निरंतर गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो लगातार अमीर होता जा रहा है। अभी हाल ही में इसी साल फरवरी में गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने थे। मुकेश अंबानी को पीछे पछाड़ा था, कई गुना संपत्ति उनकी बड़ी थी, लेकिन इस साल के अभी 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 जुलाई में ही नहीं चल रहा है कि आप समझिए कि दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। और ये मामला यहीं नहीं रुकेगा, जिस तरीके से उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है तो आने वाले 6 महीने साल भर में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, आप समझिए। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी भारत के SBI बैंक में वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं। देखिए, अडानी ने SBI से मांगा 14,000 करोड़ का लोन, पहले से 2.21 लाख करोड़ का कर्ज है अडानी पर। आप समझिए 2.21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है अडानी पर, इसके बावजूद भी 14,000 करोड़ के लोन के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। और जाहिर सी बात है जब तक मोदी जी सत्ता में हैं तो वो लोन इनको मिल भी जाएगा और माफ भी हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। जो दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी है उस शख्स को भी बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत हंगर इंडेक्स में नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे छूट गया है। भारत की रैंकिंग 101 भी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां पर भुखमरी है, महंगाई है, जो गोदी मीडिया आपको दिखाता है, वो 92वें स्थान पर है। और जो नेपाल, जो हमसे छोटा देश है, वो 76वें स्थान पर है हंगर इंडेक्स में, आप अंदाजा लगाइए। तो ऐसे हालात, एक तरफ अडानी लगातार अमीर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा गरीब जहाँ पर रहते हैं वो देश बन चुका है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार सिर्फ अपने दोस्तों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है। जिस तरीके से 5% GST लगाया खानों की चीज़ों पर, वहीं दूसरी तरफ गैस 1000 पार कर चुका है, पेट्रोल 100 पार कर चुका है, डॉलर 80 के पार हो चुका है। महंगाई ने गरीब जनता की, आम जनता की कमर तोड़ रखी है, लेकिन उनके दोस्त जो हैं, मित्र हैं, वो लगातार अमीर होते जा रहे हैं। यही पूंजीवाद है, यही इसी तरीके से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों का पेट काटा जा रहा है, गरीबों का गला काटा जा रहा है।
आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, अडानी जो 2014 से पहले बहुत कम लोग अडानी को जानते होंगे, लेकिन पिछले 7-8 साल में अडानी ने इतनी संपत्ति जुटाई है कि आज दुनिया में उनके नाम की चर्चा हो रही है। दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। ये खबर कितनी भयानक है, कितनी खतरनाक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब देश की सारी संपत्ति कुछ लोगों पर, चंद लोगों पर पहुंच जाएगी, तो वो फिर किस तरीके से पूरी जनता को कंट्रोल करेंगे। एक तरफ सरकार सदन में कहती है बार बार कि हमने जनता को फ्री वैक्सीन लगवाई, फ्री में राशन दिया, उसी को लेकर आज आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि आप फ्री फ्री क्या करते हैं, फ्री कुछ नहीं है, ये सब जनता के पैसों का है। तो जनता जो टैक्स भरती है उसका सारा, वो सारा पैसा जुटाकर एक आदमी के पास पहुंचा दिया गया है। और जो छोटे मोटे कारोबारी थे, जीएसटी के आने के बाद से उनकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। खासकर गुजरात से ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि वहाँ पर जो छोटे मझोले कारोबारी हैं वो फूट फूट कर रो रहे हैं। यही गुजरात मॉडल था जो आज देश में लागू है। तो आप इस खबर की इंटेंसिटी समझ सकते हैं कि जब सारा पैसा एक आदमी पर चला जाएगा तो उसके बाद क्या हालात होंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।